तो एस वर्सेस हिज डैड पार्ट 52 में स्वागत है आप सभी का। और जिसने भी 51 को और 50 को नहीं देखा जाकर देख लेना, तभी स्टोरी में थोड़ा समझ आएगा। तो वीडियो को मैं शुरू कर लेता हूँ। तभी एस अपने चार्जर्ड को बोलता है, चार्जर्ड एरियलाइज करके पर्वत को तोड़ दो, और चार्जर्ड बार बार करके नाकाम हो जाता है। तभी एस को पिकाचू पर उम्मीद थी, तो एस पिकाचू को क्विक अटैक करके तोड़ने के लिए बोल देता है, पर पिकाचू अपनी सारी ताकत लगा के भी तोड़ नहीं पाता पहली बार में, और वो फिर से दोबारा कोशिश करता है। ऐश कहता है, कोई बात नहीं पिकाचू, दोबारा करो, और पिकाचू दूसरी बार में ही पर्वत को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। तो ऐश पिकाचू की बहुत तारीफ करने लग जाता है, और ये सुनकर चार्जर्ड बहुत जेलस हो जाता है, बहुत गुस्से में आ जाता है। और ऐश कहता है, चलो आज के लिए बस इतना ट्रेनिंग काफ़ी है, चलो लैब की तरफ लौट जाते हैं। तो ऐश अपने सारे पोकेमोन लेकर लैब की तरफ लौट जाता है, गलर रीजन के सीरीज लैब की तरफ। और ऐश उधर बढ़ते ही एक इंसान को देखता है जो तो शाम को ट्रेनिंग कर रहा था, और ऐश उसके पास जाके बोलता है, तुम इतने शाम को ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो सुबह करना चाहिए ट्रेनिंग, शाम को खतरा हो सकता है। तभी वो इंसान कहता है, ओ यूनिवर्स चैम्पियन को हराने वाले बंदे ऐश, मैं इसलिए शाम को कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अकेले ही रहना पसंद है, कोई मेरे सामने हो तो मैं नहीं रह सकता। तभी ऐश को समझ नहीं आता उसकी बातें और अजीब लगती है, और ऐश वहाँ से चला जाता है। तभी वो इंसान ऐश के पीछे करने लग जाता है, और एकदम से ऐश मुड़ के देखता है कि वही इंसान उसके पीछे पीछे आ रहा था, और ऐश इस बार डरने लग जाता है वो इंसान को देखकर। तभी वो इंसान अचानक गायब हो जाता है और ऐश के सामने आ जाता है, और ऐश देखता है कि वो और कोई नहीं वही इंसान था जो लुगिया पर बैठकर स्टेडियम पर आया था। और वो कहता है ऐश से, ऐश तुम तो भी इसको हरा नहीं पाए, मुझे बुरा लगा। तभी वो इंसान कहता है कि चलो ऐश, मैं तुम्हें एक न्यू अटैक और ट्रेनिंग सिखाता हूँ, तुम्हारा चार्जर्ड पिकाचू और इन्फर्निप के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि ये तीनों पोकेमोन तुम्हारे थोड़े जुनून वाले लगते हैं मुझे, इसलिए तुम्हारे ये तीन पोकेमोन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग है मेरे पास। ऐश कहता है, तुम जैसे एक नॉर्मल से ट्रेनर से ट्रेनिंग करूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तभी ऐश थोड़े घमंड में अकड़ के बोलता है उस ट्रेनर को, तभी उस ट्रेनर ऐश को चैलेंज कर देता है, ऐश ठीक है तुम्हारा घमंड तोड़ना पड़ेगा, इतना घमंड। तभी कहता है वो ट्रेनर, ठीक है ऐश तुम्हें मैं चैलेंज कर देता हूँ, और अगर तुम इस बार हारे तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और मेरी हर बात माननी पड़ेगी ऐश तुम्हें, और तुम अगर जीत गए तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तभी ऐश एक्सेप्ट कर लेता चैलेंज, और ऐश अपने फर्स्ट पोकेमोन चार्जर्ड को निकाल लेता है, और उधर से वो अपने लुगिया को ही निकालता है जिस पर वो बैठ के आया था। तो ऐश कहता है, क्या लुगिया, मेरे चार्जर्ड का पावर नहीं पता तुम्हें क्या, म्यूटू को भी वो टक्कर देता है और उसके पास जेड स्टोन भी है। तभी ऐश अपने चार्जर्ड को फायर ब्लास्ट करने बोलता है, तभी उधर से वो इंसान अपने लुगिया को आइस बीम करने बोलता है, और फायर ब्लास्ट को चीर देता है आइस बीम, और चार्जर्ड को भी जमा देता है। तभी ऐश बोलता है, चार्जर्ड तुम इस आइस को पिघला दो अपनी फायर पावर से। तभी चार्जर्ड अपनी फायर पावर इस्तेमाल करके आइस को पिघला देता है, और ऐश बोलता है, चार्जर्ड ठीक है तुम अपनी ताकत से ओवरहीट इस्तेमाल करो। तभी वो ट्रेनर अपने लुगिया को एरियलाइज करने बोलता है, तभी ये अटैक चार्जर्ड को हिट हो जाते हैं और चार्जर्ड नीचे गिर जाता है, और ऐश ये देख के शॉक हो जाता है कि इतना पावरफुल मूव एक नॉर्मल ट्रेनर का पोकेमोन कर रहा है। तभी ऐश फिर से अपने चार्जर्ड को उठने बोलता है और बोलता है, ड्रैगन क्लो करो चार्जर्ड। तभी वो इंसान अपने लुगिया को बोलता है, स्टील विंग करो। तभी ये स्टील विंग और ड्रैगन क्लो टकरा जाते हैं, पर ऐश का चार्जर्ड दूर जाके गिर जाता है और बहुत डैमेज हो जाता है, और चार्जर्ड भी थोड़ा लड़ने के मूड में नहीं दिख रहा था। तभी वो ट्रेनर कहता है, ऐश तुम्हारा चार्जर्ड कमज़ोर बन चुका है, तुम्हें और ट्रेनिंग करनी चाहिए। तभी ऐश बोलता है, चार्जर्ड तुम्हें क्या हो गया, तुम तभी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं कर रहे थे, अब भी तुम अच्छे से फाइट नहीं कर रहे हो। तो चार्जर्ड को बुरा लग रहा होता है ये सुनकर, और वो जेलस भी था ऐश पिकाचू के खिलाफ। तो ऐश फिर से अपने चार्जर्ड को जेड मेगा स्टोन कर देता है, और इस बार सपने सबसे पावरफुल बनाने देता है, और बोलता है, जेट फायर ब्लास्ट करो। तभी उधर लुगिया का ट्रेनर बोलता है, अब ऐश
बैटल को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। लोगी अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके एरो ब्लास्ट कर दो, तभी जेट फायर ब्लास्ट और एरो ब्लास्ट टकरा जाते हैं, पर जेट फायर ब्लास्ट को चीरते हुए चार्जर लग जाता है, एरो ब्लास्ट और चार्जर नीचे गिर के फेंट हो जाता है। तो कहता है ट्रेनर वो लोगिया में जो फाइट कर रहा था, ऐस अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम एक कमज़ोर बनते जा रहे हो, तुमने टोबियस को हरा नहीं पाया, मैं तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि तुम टोबियस को इजी हरा सकते हो। तो ऐस ये सुनकर बोलता है तुम कौन हो, तभी बोलता है मैं एक तो एक नॉर्मल ट्रेनर हूँ ऐस, जैसे कि तुम्हें पता है। पर ऐस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी वो ट्रेनर बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, कल मिलते हैं, कल इसी टाइम पर यहीं पर पहुँच जाना। तभी ऐस बोलता है तुम्हारी बात मानूंगा बोला था, पर इस टाइम को मैं नहीं आ सकता। तभी वो बोलता है ठीक है तुम कभी भी आ सकते हो और मुझे बुला सकते हो। तो ऐस कहता है मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगा, तभी वो ट्रेनर बोलता है तुम अपने चार्जर को निकालो और चार्जर को फायर ब्लास्ट करने बोलोगे तो मेरा लुगिया उसको पकड़ लेगा और आ जाएगा। तो वो ट्रेनर चला जाता है, तो ऐस लैब की तरफ बढ़ने लग जाता है और सोचता रहता है मन ही मन में कि वो ट्रेनर कौन था जो मुझे हरा दिया, यूनिवर्स चैम्पियन को हराने वाला को हरा दिया। तभी ऐस सोचने लग जाता है और सोच के उसको नींद भी नहीं आती रात में। तभी ऐस का दोस्त गो वहीं पर होता है और गो पूछ लेता है ऐस को क्या हुआ, ऐस तुम टोबियस के फाइट से बहुत दुखी हो जैसे लग रहा है मुझे। तभी ऐस कहता है नहीं गो मैं टोबियस के फाइट से दुखी नहीं हूँ, क्योंकि टोबियस एक यूनिवर्स चैम्पियन है, तो उससे हारना बड़ी बात ही होगी क्योंकि यूनिवर्स चैम्पियन बहुत पावरफुल होता है। तभी ऐस बोलता है कि मैं टोबियस से फाइट करके हार गया, उसकी बात से दुख नहीं हूँ, मुझे और एक ट्रेनर मिला था अभी थोड़ी देर बाद, उसने मुझे हरा दिया, इस बात से मैं दुख हूँ। तभी वो कहता है कि क्या तुम्हें एक नॉर्मल ट्रेनर ने हरा दिया, तुम शायद कमज़ोर हो गए हो ऐश। तभी ये बात सुनकर ऐश को थोड़ा और गुस्सा आ जाता है, वो कहता है गो तुम भी। तो गो और ऐश की जर्नी यहीं पर ख़त्म, सॉरी भाई क्या बोल रहा हूँ यार, तो वीडियो ख़त्म हो गई है तो लाइक कर देना एक, और रुक रुक के बोल रहा हूँ मुझे पता है मेरा सर्दी हो गया है, जुकाम बोलते हैं ना, तो वीडियो को लाइक कर देना। बस आज के पार्ट में इतना ही था और नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊँगा।